सो यूथ गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका भाई निक्कू, और आप देख रहे हैं निक्कू ब्लॉग्स। तो गाइस फाइनली भाई कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। ये देख लो भाई कितना खुश हो रहा है, आज तो छुट्टी कर ली इसने। नोटबुक लेके जा रहा है अपनी दीदी को भी ले चलो, दीदी इसको पीट पीट के बोलेगी। ये देख लो गाइस कितना सारा सामान है, सारा सामान गाड़ी में रख रहे हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गाइस ये गैस लेके जा रहे हैं, खाना बनाएंगे इसी पे, हमारा सारा खाना ये गैस बनाएगी। और गाइस सारा का सारा सामान गाड़ी में भर गया। बाय चिक्की, बाय चाची, बाय 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 बाय। गाइस अभी फिलहाल 5:30 बज रहे हैं, इस बार भी हम सारे लड़के जा रहे हैं, बर्फ में चैलेंज करना है, घोस्ट हंटिंग करनी है। जब गर्मियों में जाएंगे ना तब पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा, पूरा पलट गया भाई। तो गाइस अभी ना भाई रास्ते में चीन को प्रेशर आ गया। ओ लकी ना, ये देख लो गाइस एक और एक्सीडेंट, कैसे ट्रक पलट गया, उस रोड से आया और यहाँ पे पलट गया भाई साहब। आज के दिन में 2 एक्सीडेंट देखे ट्रक के, एक चीज सही है किसी को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी। तो गाइस अभी फिलहाल 6 बजे से ऊपर टाइम हो गया सुबह के, अभी तक गाइस कश्मीर जाने ही लग रहे हैं। 3 दिनों से भाई कश्मीर का रास्ता बंद था और आज ही खुला है, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है। 3 दिनों से ना भाई लैंड स्लाइडिंग हो रखी थी, तो गाइस अगर बंद होता तो घर वापस जाना पड़ता। ये देख लो गाइस कश्मीर में आ गया और लैंड स्लाइड हो रखी है यहाँ पे, देखो कितने सारे पत्थर गिर रखे हैं। गाड़ियों के ऊपर भी पत्थर गिर जाते हैं कभी कभी, कितना बड़ा पत्थर गाइस, लिटरली भाई एक गाड़ी जितना पत्थर है, अगर गाड़ी पे गिर जाए ना तो पूरी गाड़ी पिचक जाएगी। तो गाइस फाइनली भाई कश्मीर पहुंच गया है और अभी सीधा श्रीनगर जा रहे हैं। ये देख लो भाई सामने बिल्कुल व्हाइट कलर का पहाड़, गाइस लिटरली भाई ऐसे मैंने हिमालय में भी देखा है। ये देखो गाइस पूरा बर्फ का पहाड़ भाई साहब, हर जगह बर्फ है। गाइस फिलहाल श्रीनगर में तो आ गए हैं, बिल्कुल अलग वाली फीलिंग आ रही है, बहुत सारे आर्मी की गाड़ियां वगैरह खड़ी है, आर्मी वाले खड़े हैं। गाइस लाइफ में पहली बार कश्मीर आया हूँ, अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। डल लेक आ गया है, पानी फेंक दिया भाई साहब। ये देख लो गाइस कैसी नाव, कितनी लंबी। ये देख लो गाइस हमारे बोट वाले घर, मस्त है बोट वाले घर, इतने मस्त। एक मिनट सब कुछ है इधर तो भाई, वो बाथटब भी है इधर तो। अभी फिलहाल ये वाली हाउस बोट बुक करा दिया है कि यहाँ पे स्टे करेंगे रात को, आज हम श्रीनगर को एक्सप्लोर करेंगे बोट में, फिर कल हम जाएंगे भाई गुलमर्ग जहाँ पे हर जगह बर्फ है, और वहाँ पे करेंगे 24 आवर्स इन स्नो चैलेंज, बर्फ का घर बनाएंगे, घोस्ट हंटिंग भी करेंगे। जल्दी सारे तैयार हो जाते हैं। ओए यहाँ से खिड़की भी है, ओ भाई और यहाँ पे बत्तख है, बहुत गहरी है, बहुत गहरे पानी में बोट तैर रही है। फिलहाल नहा धो के तैयार हो गए, सभी रेडी हो गए। तो गाइस अभी फाइनली राइड के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पे मार्केट है हर जगह, बोट लेके आए हैं, ये इनकी दुकान है। तो गाइस अभी ये ट्राई करके देखते हैं भाई, ये सही है ना, कुछ भी ले लो यहाँ पे, कैसा है कैसा है, मस्त है। ये देख लो भाई यहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं, देख लो गाइस यहाँ पे ज्वेलरी मिल रही है हमें, यहाँ पे ना भाई सारी मार्केट है, ये भाई ज्वेलरी बेच रहे हैं, वहाँ पे कुछ बिक रहा है, वहाँ पे कुछ बिक रहा है। तो गाइस कश्मीरी डल लेक में मैंने जेट स्की भी चलाई, और ये देख लो भाई ये ना बहुत तेज वाली जेट स्की थी, मैंने बहुत मस्त वाली भगाई, चारों तरफ पहाड़ थे बर्फ वाले, उनके बीच में गाइस मैंने मस्त वाली जेट स्की भगाई, पीछे ड्राइवर बैठा है ना ये चलाता है, पर मैंने खुद चलाई और मजे आ गए भाई चला चला के, पूरी ड्रिफ्ट मार दी मैंने और पूरी फुल स्पीड में भगाई थी, पीछे वाला ड्राइवर भी डर गया था, कह रहा भाई कितनी तेज चला रहे पलट जाएगी, पर भाई मस्त वाली चलाई, और ये पानी बहुत गहरा था पर फिर भी भाई बहुत तेज भगाई, मजे आ गए भाई ये वाली जेट स्की चला के। गाइस ड्राइवर में से बार बार कह रहा था कि भाई बंदी चलाओ गिर जाएंगे, पर मैं चलाया जा रहा था क्योंकि लाइफ जैकेट पहनी थी ना, गिर जाते कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी भाई बहुत मस्त चलाई, चीनू भी दूर से चला रहा था भाई भैया चलाओ। बहुत तेज भाग रही थी भाई साहब, और अब ये ट्राई करते हैं स्पीड बोट में जा रहे हैं। गाइस ये पानी ना भाई बहुत गहरा है, गाइस स्पीड बोट कर ली, अभी उतर रहे हैं, वैसे मजा आ गया, पहली बार आके पहली बार किसी ट्रिप पे ऐसा आया जो मजा आ रहा है।
गाइस आज पहला दिन है कश्मीर में, व्हाइट वाला जो पहाड़ था ना बर्फ का, वो गुलमार्ग था, वहाँ जाएंगे। एक चीज बहुत अच्छी लगी, कपड़े ना 1% भी गीले नहीं हुए, फुल स्पीड में चलाई थी और पूरी ड्रिफ्ट मारी थी, बिल्कुल ऐसे लिटा दी थी आपने, पानी में पलट भी सकती थी, कुछ भी गीला नहीं हुआ कपड़ों में। जैसे रेसर्स ने लिटा दी थी बाइकों की, रेस होती बिल्कुल ऐसे लिटा देते हैं, वैसे आपने जेट स्की पे लिटा दी थी। जैसे मोटो जीपी चलाते हैं ना, ऐसे ही मैंने मोड़ पे लिटा दी थी। भैया आप तो सच्ची में अल्ट्रा प्रो हैवी ड्राइवर हो। अपनी बोट की राइड कंटिन्यू करते हैं, ये भाई हमें ना सारी जगह लेके जा रहे हैं। रुक जा रुक जा, शाम के 6 बजने वाले हैं, बहुत सुंदर नजारा है शाम के टाइम का श्रीनगर का। अभी बर्फ का मौसम जाने वाला है ना, यहाँ पे ना सारे पेड़ सूख रखे हैं, गर्मियों में गाइस यहाँ पे ना भाई पूरी हरियाली हो जाती है, पूरा हरा हरा कश्मीर हो जाता है। और ये देखो भाई सामने फुहारे हैं, भाई साहब कितने ऊंचे, देखो पहाड़ से भी ऊंचे हैं। पहाड़ से ऊंचे कहाँ है यार, कुछ भी कुछ भी, कैसे धुआं उठ रहा है भाई साहब पानी में से, डुबा दू ये देख लो गाइस यहाँ पे ना सारी पानी में मार्केट है, यहाँ पे खेती करते हैं, सब चीज बोट में होती है, सारे बोट से आते हैं, बोट खड़ी करते हैं, सामान लेते हैं, बोट में बैठ के वापस चले जाते हैं। कल गुलमार्ग जाना है तो उसके लिए जैकेट लेके आ रहा हूँ। गाइस बोट हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, गाइस ये वाली जैकेट लाई करी है मैंने। मेरे को ना भाई परफ्यूम की कलेक्शन करनी बहुत अच्छी लगती है, ये देख लो भाई कितने सारे कश्मीरी परफ्यूम, भाई साहब ये सब देख के ना मन कर रहा है सारे ले लूं। मस्त लग रहे हैं, बहुत सारा सामान ले लिया यहाँ पे मैंने कश्मीरी, अभी वापस चलते हैं। रेस्टोरेंट तक पानी में है, रेस्टोरेंट भी पानी में, इतना बढ़िया। ये देख लो भाई क्या नजारा है, ये देख लो गाइस रात के टाइम भी बोट चल रही है और बहुत अच्छा नजारा है, यहाँ पे लोग चिल आउट कर रहे हैं खूब, ऐसा मन कर रहा है घूमे जाओ अच्छा फील हो रहा है। ऐसे मनाली बहुत सारी जगह घूमने गए हैं पर इतना मजा ना कहीं नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, सच्ची बात रियल में भाई लाइफ का असली मजा यहीं मिल रहा है पूरा। कितने मस्त मस्त नजारे यहाँ पे, एक से एक कैफे है गाइस यहाँ पे। कश्मीर का ना भाई नाम ही सुना था कि कश्मीर जन्नत है, आज देख भी लिया सच में जन्नत है भाई, ऐसा मन कर रहा है यहीं रहो। एटीएम मशीन भी पानी में है, ये देख लो कश्मीर में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो फिलहाल हम डल लेक में घूम रहे हैं, गुलमार्ग है, सोनमार्ग है, कल हम जाएंगे भाई गुलमार्ग, घोस्ट हंटिंग भी करेंगे कश्मीर में। घोस्ट हंटिंग तो ठीक है, पूरे पूरे सपने आ रहे पर देख के करना पड़ेगा भाई। हाँ दो बार बहुत बुरे सपने आए हैं, एक बार तो मेरे को ये दिखाई दिया गाड़ी ना खाई से नीचे खिसक गई, और दूसरा गाइस मेरा ना ऑक्सीजन खत्म हो गया, मैं चाचा से ऑक्सीजन मांग रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। चाचा एक बोतल ऑक्सीजन लेके आए फिर मेरे लिए। तो गाइस बोटिंग तो कर लिया है, भूख लगी है तो खाना खाने जा रहे हैं। तो गाइस आज खाने में मशरूम की सब्जी और रोटी, तो भी खाते खाना और खाना खाके ना वापस घर पे चलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल वापस घर पे आ गया है, और गाइस अभी ना भाई इस बोट हाउस का टूर दूंगा तुम्हें। एंट्री में सबसे पहले तो ये है यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं सब, और ये हीटर है गाइस, ये देसी हीटर है, इसके अंदर ना आग जलती है और धुआं इसके अंदर जाता है और ये पूरा गर्म हो जाता है तो हीट फेंकता है पूरे कमरे में, तो यहाँ पे सर्दी भी नहीं लगती। और गाइस उसके बाद ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पे मस्त आराम से बैठ के खाना भी खा सकते हैं। बाकी गाइस इसके बाद भाई यहाँ चल के हमारा रूम है, ये ना रेल जैसा है, ऐसे चल चलते यहाँ पे ना रूम बने हुए हैं साइड में, ये देख लो गाइस ये मेरा रूम है और यहाँ पे भी भाई देसी हीटर लगा रखा है, और गाइस ये भाई गर्म होने वाला बेड है, ये रिमोट है, इससे ना गाइस पूरा बेड गर्म हो जाएगा, बढ़िया नींद आएगी यहाँ पे। बाकी गाइस इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये पूरा घर ना भाई एक बोट है, नाव पे पूरा घर बना हुआ है और हम ना भाई पानी पे तैरने लग रहे हैं और पानी के ऊपर सो रहे हैं। बाकी भाई अभी 10 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, गाइस यहाँ पर भाई अलग ही तरीके की वाइब्स आ रही है। जब श्रीनगर में हमने एंटर किया था ना तब अजीब सा ही लग रहा था हमें, और जो ना भाई आर्मी वाले खड़े थे गाइस, ऐसा लग रहा था भाई वॉर जोन में आगे चारों तरफ हमारी आर्मी खड़ी थी, तो अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही थी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, जिससे भी हेल्प मांग लो ना वही बंदा हेल्प करता है। फिर गाइस कल ना गुलमार्ग जाएंगे, स्कीइंग करेंगे, चैलेंज करेंगे, घोस्ट हंटिंग करेंगे, और भाई बर्फ के बीच में घर लेंगे, जो फोटो में देखा था बर्फ के बीच में घर, खिड़की खोलो तो सामने बर्फ ही बर्फ। तो भी जल्दी से मैं वीडियो एडिट करता हूँ, एडिटिंग करके सो जाता हूँ, कल सुबह गुलमार्ग के लिए निकलना है। गाइस फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।